दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है और दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में आज पहले ही दिन उनकी नियुक्ति को खारिज करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया सदन के पटल पर। यह प्रस्ताव बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने रखा था। संजीव जी, आप लोगों ने ये प्रस्ताव तो रखा है, पास भी कर दिया है, नियुक्ति को लेकर क्यों आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और अब ये प्रस्ताव पास कर दिया है तो आगे करेंगे कैसे, क्या हो पाएगा? और देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी जो राकेश अस्थाना जी, जो 1984 के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो ज़्यादातर अपना टेन्योर सीबीआई में बिताया है, जो कभी दिल्ली में इनका पुलिसिंग का अनुभव नहीं है, दिल्ली में कभी नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करना ना केवल गैर संवैधानिक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी अपमानना है, जिसमें यह कहा गया था कि 6 महीने का मिनिमम अवधि आपका होना चाहिए। साथ में मुझे ये लगता है कि आज जो रूल एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश हैं कि डीजीपी की सिलेक्शंस कैसे होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट गाइडलाइन है यूपीएससी के लिए, ये तो रूल प्रोसीजर की भी अवमानना है। तो हमें ये लगता है कि जो अगर कोई व्यक्ति जिनकी नियुक्ति गैर संवैधानिक हो, हमारी जिम्मेदारी होती है फिर इस बात को सदन में रखें, और यही कारण हम रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं। लेकिन अब ये प्रस्ताव जो आपने पास करा दिया, इसके बाद ये नियुक्ति आप लोगों के हाथ में तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इससे क्या हल निकल कर आएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेसी को समझते होंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के इलेक्टेड जो लोग हैं उनके सेंस को समझते होंगे। अगर दिल्ली विधानसभा की हाउस ने, सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि उनको, उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए, तो इस हाउस के सेंस को समझते हुए, दिल्ली के वेल्फ, दिल्ली की भलाई को देखते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाउस को प्रधानमंत्री समझेंगे। एक बात जो आप बार बार कही जा रही विपक्ष की ओर से, आज सदन में भी कहा गया कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, आप लोग डर क्यों रहे हैं? अगर एक ऐसा ऑफिसर लाया जा रहा है जिसका इतिहास है, उसने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, एक लंबा पुलिस करियर रहा है उनका, तो आप लोग डर क्यों रहे हैं एक अच्छे ऑफिसर को अगर लाया जा रहा है? देखिए, हम डर नहीं रहे हैं, हम पे तो सीरीज ऑफ इस तरह के पुलिस बर्ताव करती रही है और सब जाके कोर्ट में फिर धराशायी हो जाता है। हमारे दर्जनों विधायक, मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए, तरह तरह के एफआईआर किए, लेकिन कोर्ट ने किसी भी एक भी एफआईआर का संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे ये लगता है कि हमसे पहले से होता, हम डरने की बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि देखिए, नियुक्ति भी गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट अवमानना है, और साथ में दिल्ली को, ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली को ना समझता हो, दिल्ली के क्राइम को ना समझता हो, दिल्ली में क्राइम रेट क्या है और क्यों होता है उसके बारे में ना समझ हो, दिल्ली की पुलिसिंग का अनुभव ना हो, अगर वो आएंगे तो दिल्ली में पुलिसिंग तो ठीक से नहीं हो पाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन विशेष परिस्थिति कहा गया है, विशेष मिशन भी भेजा गया है, चूँकि तरह तरह से केंद्र सरकार कोशिश कर ली कि किस तरह से डिस्टेबलाइज करें इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ना केवल सरकार के पावर को बल्कि सदन तक के पावर को कम करने की कोशिश की गई, अब एक और तरीका ईजाद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे दिल्ली की जनता को नुकसान होगा और दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम इस आवाज को उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि आपका विरोध राजनीतिक है, आप लोगों को प्रक्रिया से ज्यादा राजनीतिक विरोध करना है? नहीं, तो आप बताइए, क्या ये सुप्रीम जजमेंट का अपमानना नहीं है? क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी जो रूल प्रोसीजर के लिए कि 6 महीने से पहले नाम जाना चाहिए, 3 लोगों की कमेटी होना चाहिए, फिर 3 लोगों के नाम जाना चाहिए, उसमें से एक नाम की सेलेक्ट होना चाहिए, आप सभी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। आप तो, आप ऐसे लग रहा है आप डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, एक ऑटोक्रेसी में हम जी रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रात में जो सपना आएगा अगले दिन रात के 8 बजे में कह देंगे और हो जाएगा, और सारी फैसले रात के 8 बजे क्यों, समझ में नहीं आता कि रात के फैसले कोई सही होते नहीं है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में, कहावत है कि रात में के अंधेरे में लिए गए फैसले मतलब खराब फैसले, तो ये सारे फैसले 8 बजे के बाद क्यों होते, वो समझ में नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि अगेन, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी अस्थाना जी की नियुक्ति विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, ऐसे कुछ परिस्थिति दिख नहीं रही है, या ये कह दें कि अगमेंट कैडर के सारे अधिकारी इनकॉम्पिटेंट हैं, वो ईमानदार नहीं है, उनमें कमिटमेंट नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, इसलिए हम बाहर से ला रहे हैं, तो समझ में आएगा हम अगर बहुत कमिटेड लोग लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि अगमेंट कैडर के जो हमारे आईपीएस हैं उनमें इंटेग्रिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। अब एक व्यक्ति को आपने प्रभार दिया और अनफंड में हटा दिया, कौन सी मजबूरी थी ऐसी? तो मुझे ये लगता है कि विशेष परिस्थिति में विशेष मिशन पर इनको भेजा गया है, और विशेष मिशन में भेजकर दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए। अब तरह तरह के, मान लीजिए आप विधायकों के पीछे 10 केस लगा दीजिए, हम कोर्ट दौड़ते रहें, तो इससे दिल्ली नहीं चलेगी, इससे दिल्ली का भला नहीं होगा, इसीलिए हम सब लोग थोड़ी चिंतित जरूर हैं। जिस तरह से आज सदन में, विधानसभा में ये प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राकेश अस्थाना की जो नियुक्ति की गई है वो क्या किसी स्पेशल मिशन के तहत की गई है?
कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।